देते हैं कि समाज को जागना चाहिए। देखिए हर धर्म के धर्म गुरुओं को ऐसी व्यवस्था उनके समाज के लोगों ने की है कि जगह जगह जाना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। और आज इतनी विडंबना हो गई है कि पंडित ब्याह कराने जाए ना तो दक्षिणा देने के लिए 40 लोग खड़े हो जाते हैं। यदि वो कह दिया कि 5,000 लेंगे 10,000 लेंगे तो 40 लोग खड़े हो जाएंगे। अरे वो तो आए थे 2,000 में करा के चले गए थे, आप ऐसा क्या करा दोगे। अच्छा सोचो कि आपकी दक्षिणा में उसकी पूरी जीविका है, उसका पूरा परिवार चलना है। और आप ऐसा नहीं कि आपके पास है नहीं, आप देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते कि क्या करेंगे, सब लूटने के लिए बने। पर ऐसी बात नहीं, यदि वो लूटने के लिए बने उनके मन में वो भाव है तो पतन उनका होगा, आपका नहीं। यदि वो ये सोच रहे हैं कि हम इनको ठग लेंगे तो वो स्वयं ठगे जा रहे हैं। पर यदि आप ये सोचोगे कि वो ठग रहे हैं तो आप ठगे जा रहे हैं। देखो आज के समय में किसी के पास पर्याप्त समय नहीं है, कोई धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पा रहा, खाने कमाने से फुर्सत नहीं है लोगों को। तो आपके धर्म को, आपके धर्म के ज्ञान को जीवित कौन रखेगा? का यही आचार्य, यही ब्राह्मण जिनको, जो आपके यहाँ पूजन करवाने आते हैं, यही ब्राह्मण यही आचार्य आपके धर्म को जीवित रखते हैं। आपको बीच बीच में समझाते रहते हैं कि सत्कर्म भी किए जाओ, कुछ दान भी किए जाओ, भगवान का सम्मान भी किए जाओ, भूल मत जाओ। अच्छा आप इन्हीं की उपेक्षा करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके बीच से ही आपका धर्म समाप्त हो जाएगा। और जिस देश ने, जिस प्रदेश ने अपनी सभ्यता को भुला दिया, वो देश वो सभ्यता भी उस समाज को भुला देता है। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि इनमें कभी पीछे ना हटे। देखो एक छोटा सा कार्यक्रम होता है तो क्या पंडित जी अकेले खा लेते हैं? एक कथा भी हो रही तो विचार करो यहां से कितने लोगों की जीविका जुड़ी हुई है। जहां से मालिक के यहां से फूल आता है, मालिक की जीविका जुड़ी कि नहीं जुड़ी? हलवाई के यहां से मिठाई आता है, हलवाई की जीविका जुड़ी? किसान के यहां से अन्न आता है, किसान की जीविका जुड़ी? जुड़ी कि नहीं? एक साउंड वाले की जीविका जुड़ी कि नहीं? टेंट वाले की जीविका जुड़ी कि नहीं? संगीतकारों की जीविका जुड़ी कि नहीं? किसकी जीविका नहीं जुड़ी है? सबकी जीविका जुड़ी है। एक ब्याह में आप क्या नहीं खर्च करते हो? 20-20 करोड़ रुपए ब्याह में पानी की तरह बहा देते हैं लोग, पी के बहा देते हैं। और भगवान के पूजन के नाम पर कह देंगे भगवान को दूध चढ़ाने से मिलता क्या? अच्छा तुमको शराब पीने से क्या मिलता है? मतवाले हो जाते हो, घर भी तुम्हारा बर्बाद हो जाते हैं। भगवान के पूजा पाठ में तुम इतने पीछे हो जाते हो, सारा ज्ञान उसी समय तुम्हारा जागता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि सत्कर्म में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप अपने धर्म गुरुओं को भूल जाओगे, आप यदि आचार्यों को भूल जाओगे तो धीरे धीरे ये सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी। बस इतना ही निवेदन है, अच्छा लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो यही छोड़कर चले जाना। बोल सियावर रामचंद्र की जय।